ईवे बिल मैनेजमेंट। इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम ईवे बिल जनरेट करने के बारे में जानेंगे। बिजी में कई तरीके हैं ईवे बिल जनरेट करने के, जैसे कि आप जेसन फाइल जनरेट कर सकते हैं, उसे देन आप अपलोड करके ईवे बिल नंबर जो आपको मिलेगा वो वाउचर्स में अगेन फेड कर सकते हैं, या फिर ऑटोमेटिक ऑप्शन भी प्रोवाइड करी गई है जैसे कि ऑटोमेटिकली आपका ईवे बिल जनरेट होगा और ईवे बिल नंबर वाउचर में अपडेट हो जाएगा। ये दोनों ही ऑप्शन अलग तरीके से वर्क करेंगी। इस प्रेजेंटेशन में हम यही देखेंगे कि कैसे आप ईवे बिल क्रिएट करने के लिए जेसन फाइल क्रिएट कर सकते हैं, एज पर गवर्नमेंट टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं, या फिर ऑटोमेटिकली आप ईवे बिल जनरेट कर सकते हैं। इस वीडियो को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें कि पार्ट फर्स्ट जो हमारा है वो स्टैंडर्ड एंड एंटरप्राइज एडिशन यूजर्स के लिए है। स्टैंडर्ड एंड एंटरप्राइज एडिशन में आप या तो ऑटोमेटिकली ईवे बिल जनरेट कर सकते हैं सिंगल मल्टीपल वाउचर्स के लिए, या फिर आप जेसन फाइल क्रिएट कर सकते हैं, उस फाइल को आप गवर्नमेंट पोर्टल पे अपलोड करेंगे एंड देन ईवे बिल नंबर जो आपको मिलेगा उसे आप वाउचर्स में अपडेट कर देंगे। सेकेंड जो हमारा पार्ट है वो हमारा बेसिक एडिशन यूजर्स के लिए, उसमें हम ईवे बिल एज पर गवर्नमेंट टेम्पलेट जनरेट करने के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, जो कि हमारा स्टैंडर्ड एंड एंटरप्राइज एडिशन यूजर्स के लिए है। इसमें हम देखेंगे कि कैसे आप ईवे बिल जनरेट कर सकते हैं ऑटोमेटिकली एंड जेसन फाइल आप क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ईवे बिल कॉन्फ़िगर करेंगे। इसके लिए हम एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन, फीचर्स ऑप्शन, जीएसटी वैट टैब में गए। यहाँ पे ईवे बिल रिक्वायर्ड फील्ड में यस स्पेसिफाई किया एंड कॉन्फ़िगर बटन पे क्लिक किया। देखिए ईवे बिल कॉन्फ़िगरेशन विंडो अपीयर हुई। यहाँ पे हम फ्रॉम प्लेस एंड उस प्लेस का पिन कोड बताएंगे, यानी कि जो भी आपका मेन मटेरियल सेंटर है जहाँ से गुड्स डिस्पैच होते हैं वो आप बताएंगे और उस जगह का पिन कोड बताएंगे। देन अमाउंट आफ्टर विच ईवे बिल इज एप्लीकेबल फॉर B2B एंड B2C ट्रांजेक्शन, आपको अमाउंट बताना है कि यानी इस अमाउंट या इससे ऊपर अमाउंट के बिल्स के लिए ही आपको ईवे बिल जनरेट करना है। हमने यहाँ 50,000 बताया। उसके बाद आपने बताया ईवे बिल रिक्वायर्ड फॉर लोकल ट्रांजेक्शन, लोकल ट्रांजेक्शन के केस में आपको ईवे बिल रिक्वायर्ड है या नहीं। यदि आपको रिक्वायर्ड है तो आप ये स्पेसिफाई करेंगे। एंड एप्लीकेबल फॉर ट्रांजेक्शन कि लोकल ट्रांजेक्शन के केस में ईवे बिल बोथ B2B एंड B2C के लिए एप्लीकेबल है या फिर खाली B2B के लिए एप्लीकेबल है, तो आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। देन अमाउंट आफ्टर विच ईवे बिल इज एप्लीकेबल B2B के केस में जो अमाउंट जो आप बताएंगे, जिस अमाउंट और उससे ऊपर के अमाउंट पे ईवे बिल एप्लीकेबल होगा। देन डिस्टेंस आफ्टर विच ईवे बिल इज एप्लीकेबल, आप किलोमीटर्स में डिस्टेंस बताएंगे लोकल के ट्रांजेक्शन में कि कितने किलोमीटर से ज्यादा होने पर आपको ईवे बिल रिक्वायर्ड है। इस फील्ड को आप जीरो भी लिफ्ट कर सकते हैं, यानी कि जीरो एंटर कर सकते हैं, यानी कि हर एक केस में ही आपको ईवे बिल रिक्वायर्ड है, किलोमीटर्स का आपको नहीं कैलकुलेट करना, एवरी लोकल ट्रांजेक्शन में आपका ईवे बिल रिक्वायर्ड होगा। अमाउंट ऑन विच ईवे बिल इज एप्लीकेबल, यानी कि बिल अमाउंट पे एप्लीकेबल है या सिर्फ टैक्सेबल अमाउंट पे ईवे बिल आपका एप्लीकेबल होगा, जो अमाउंट कंसिडर करना है बेसिकली जो 50,000 या 1 लाख हमने ऊपर अमाउंट बताया है वो बिल अमाउंट होगा या टैक्सेबल अमाउंट होगा। देन रिस्ट्रिक्ट सब यूजर टू चेंज ईवे बिल एप्लीकेबिलिटी इन वाउचर्स, यानी कि जो सब यूजर्स हैं वो ईवे बिल का जो एप्लीकेशन है उसको चेंज ना कर पाए वाउचर्स में। देन इज ऑटो जनरेशन ऑफ ईवे बिल, यानी कि ईवे बिल हमें ऑटोमेटिकली जनरेट करना है या नहीं करना। यदि आप ऑटोमेटिकली ईवे बिल जनरेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे यस स्पेसिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम बता दें ये ऑप्शन केवल स्टैंडर्ड एंड एंटरप्राइज एडिशन यूजर्स के लिए ही अवेलेबल है, और वो भी तब जब आपके पास बिजी का एक्टिव बिजी लाइसेंस सब्सक्रिप्शन है। तो एक्टिव बिजी लाइसेंस सब्सक्रिप्शन होने पर ही आप ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं। इसके बाद आप GSP यूजर ID एंड GSP पासवर्ड बताएंगे। ऑटोमेटिक ईवे बिल जनरेशन के बारे में जानने के लिए आप हमारा वीडियो ऑटो जनरेशन ऑफ ईवे बिल जो कि YouTube पे अपलोडेड है उसे रेफर कर सकते हैं। इस प्रेजेंटेशन में हम जेसन फाइल क्रिएट करने के बारे में ही जानेंगे। ऑटोमेटिक जनरेशन का पूरा प्रोसेस हमने उस वीडियो में डिस्कस किया है ऑटो जनरेशन ऑफ ईवे बिल में, आप उसे रेफर कर सकते हैं ऑटोमेटिक यदि आप ईवे बिल जनरेट करना चाहते हैं। तो ये सारी डिटेल्स बता के आप ओके बटन क्लिक करेंगे ईवे बिल कॉन्फ़िगरेशन को सेव करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे आप बताएंगे कि ट्रांसपोर्ट डिटेल्स विंडो आपको लोकल ट्रांजेक्शन्स के केस में भी चाहिए, आप ये स्पेसिफाई करेंगे एंड सेव बटन प्रेस करेंगे इस कॉन्फ़िगरेशन को सेव करने के लिए। इसके बाद हम नेक्स्ट अपनी पार्टीज में स्टेशन, ट्रांसपोर्ट डिटेल्स वगैरह बताएंगे। इसके लिए जो भी आपने पार्टीज क्रिएट करी हैं जिनके लिए आप ये डिटेल्स बताना चाहते हैं उन्हें मॉडिफाई मोड में आप ओपन करेंगे। लाइक हम अकाउंट मास्टर में गए, मॉडिफाई ऑप्शन में गए, हमने पार्टी सिलेक्ट करी। यहाँ पे इस पार्टी के साथ डिफॉल्ट जो आप ट्रांसपोर्ट, स्टेशन, पिन कोड, डिस्टेंस ये डिटेल्स बताना चाहते हैं वो बता सकते हैं। इससे ईज रहेगी, वाउचर के टाइम पे ये डिटेल्स ऑटोमेटिकली पिक होके आ जाएंगी, आपको दोबारा एंटर नहीं करनी पड़ेगी। इसके बाद नेक्स्ट हम मटेरियल सेंटर मास्टर में जाएंगे। जितने भी आपके मटेरियल सेंटर क्रिएटेड हैं आप उनमें ये डिटेल स्पेसिफाई कर सकते हैं, फ्रॉम प्लेस,
पिन कोड एंड फ्रॉम स्टेशन की फ्रॉम प्लेस मतलब जब भी ये मटेरियल सेंटर यूज होगा तो कौन से प्लेस से गुड्स जो है डिस्पैच होंगे, स्टेशन क्या है एंड पिन कोड उसका आप स्पेसिफाई करेंगे। ऐसे ही हर मटेरियल सेंटर के लिए आप ये डिटेल स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट स्टेप है ट्रांसपोर्टर्स GSTIN ID बताना। इसके लिए हम ट्रांजेक्शन्स में GST मिसलेनियस यूटिलिटीज में इनपुट ट्रांसपोर्टर्स GSTIN ID ऑप्शन में गए। ऑप्शन को सिलेक्ट करते ही ये स्क्रीन आपको नजर आई। यहाँ पे बॉटम पे एक बटन है लोड ट्रांसपोर्टर्स, इस बटन को क्लिक करते ही जितने भी करेंटली आपने ट्रांसपोर्टर नेम्स अभी डिफाइन किए हुए हैं उनकी लिस्ट अपीयर हो जाएगी। आप चाहें तो यहाँ पे न्यू ट्रांसपोर्टर्स भी क्रिएट कर सकते हैं। इन ट्रांसपोर्टर्स की सारी डिटेल्स आप यहाँ पे एंटर करेंगे लाइक GSTIN ID, एड्रेस 1, एड्रेस 2, प्लेस, पिन कोड, स्टेट, और यदि आप ट्रांसपोर्टर मास्टर डिटेल्स भी मेंटेन कर रहे हैं तो ये कंपल्सरी है ये डिटेल्स ऐड करना। अभी तक हमने ई वे बिल को एनेबल किया, कन्फिगर किया, पार्टीज को कन्फिगर किया, उनमें स्टेशन पिन कोड वगैरह बताया, उसके बाद हमने मटेरियल सेंटर्स को कन्फिगर किया एंड ट्रांसपोर्टर्स की डिटेल्स एंटर करी। अब हमारा मेन पार्ट आता है वाउचर एंट्री का। इसके लिए हम ट्रांजेक्शन्स में गए, सबसे पहले हम एक सेल्स का वाउचर एंटर कर रहे हैं, सेल्स एड ऑप्शन में गए, सेल्स हेडर से जुड़ी डिटेल्स हमने बताई, आइटम से जुड़ी डिटेल्स हमने स्पेसिफाई करी, बिल्स एंट्री बताई। वाउचर को सेव करने पर एक ट्रांसपोर्ट डिटेल्स विंडो अपीयर हुई जिसमें सबसे पहले हम ट्रांसपोर्ट सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ऐड न्यू बटन दिया है न्यू ट्रांसपोर्ट डिटेल्स ऐड करने के लिए। उसके नीचे ही देखिए एक कैप्शन आ रही है डबल क्लिक टू अपडेट GSTIN ID। यदि आप इस लेबल पे क्लिक करते हैं तो आप ट्रांसपोर्ट डिटेल्स को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं वही स्क्रीन ओपन होगी, आप डिटेल्स ओपन कर सकते हैं। GRRR नंबर बताएंगे, व्हीकल नंबर बताएंगे, ईवेल बिल रिक्वायर्ड है येस, ई वे बिल नंबर अभी हम ब्लैंक छोड़ेंगे क्योंकि ई वे बिल तो वाउचर सेव होने के बाद ही हम जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे ये डिटेल्स एंटर करके हमने ओके बटन प्रेस किया। उसके बाद बिजी ने पूछा कि आप ई वे बिल जनरेट करना चाहते हैं, हमने येस बटन पे क्लिक किया। देखिए जनरेट ई वे बिल एक मैसेज बॉक्स अपियर हुआ, इसमें कई सारी ऑप्शन है, ऑटोमेटिक, जेसन, एज पर गवर्नमेंट टेम्पलेट, प्लेन एक्सेल। ऑटोमेटिक हमने पहले भी बताया कि ऑटोमेटिकली आपका सारा काम होगा, और यदि आप ऑटोमेटिकली जनरेट करना चाहते हैं ई वे बिल तो ऑटो जनरेशन ऑफ ई वे बिल वीडियो को रेफर करें। यहाँ पे हम जेसन फाइल क्रिएट करेंगे, हमने जेसन ऑप्शन सिलेक्ट करी, ये डिटेल स्पेसिफाई करी कि कहाँ पे जेसन फाइल जो आपकी क्रिएट होगी। ओके बटन प्रेस किया तो एक मैसेज बॉक्स आया कि चेक पॉसिबल एरर्स या फिर प्रोसीड विद जेसन। इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप पहले एरर्स को अगर डेटा में हैं तो उन्हें चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे चेक पॉसिबल एरर बटन को हमने क्लिक किया, ये स्क्रीन अपीयर हुई। देखिए इसमें इनवैलिड डेटा फाउंड कॉलम में है UQC फॉर ई वे बिल कैनॉट बी ब्लैंक, यानी कि इस डेटा में आपका UQC जो है वो ब्लैंक है। यूनिट क्वांटिटी कोड जो है जो आपने यूनिट सेलेक्ट किया है उसके साथ UQC डिफाइन नहीं है। यहीं पे आप एंटर की प्रेस करके अपडेट UQC फॉर ई वे बिल ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, ओके बटन प्रेस करेंगे तो देखिए यूनिट मास्टर ओपन हो गया। यहाँ पे बॉक्स जो आपने यूनिट ली थी उसका UQC आप बताएंगे ई वे बिल के लिए, जैसे कि हमने कार्टन्स लिया। सेव बटन प्रेस करेंगे, ये वापस अपडेट हो जाएगा। दिस मीन्स कि अब आपका डेटा जो है परफेक्टली फाइन है, देखिए कोई भी रो यहाँ पे नहीं आ रही है, डेट मीन्स कि डेटा बिल्कुल ठीक है। अब आप जेसन फाइल क्रिएट कर सकते हैं। प्रोसीड विद जेसन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ओके बटन प्रेस करेंगे तो जो हमने पाथ स्पेसिफाई किया था डेस्कटॉप का, देखिए यहाँ पे ये जेसन फाइल जो है क्रिएट हो गई है। इसके बाद हम गवर्नमेंट के पोर्टल ewaybill.nic.in पे जाएंगे, लॉग इन करेंगे, अपनी यूजर ID पासवर्ड स्पेसिफाई करेंगे। यहाँ पे लॉग इन बटन पे क्लिक करते ही हम लेफ्ट हैंड साइड में ईवे बिल ऑप्शन में जाएंगे। ई वे बिल के अंदर हम ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे जनरेट बल्क, इस ऑप्शन को हमने सिलेक्ट किया, चूज फाइल, यहाँ पे जो आपने जेसन फाइल क्रिएट करी थी जो अभी डेस्कटॉप पे थी उसको आप सिलेक्ट करेंगे। देखिए जेसन हमने डेस्कटॉप पे क्रिएट करी थी उसको हमने सिलेक्ट किया। अपलोड बटन आप क्लिक करेंगे इस फाइल को सिलेक्ट करने के बाद, अपलोड बटन क्लिक करते ही ये जेसन आपकी अपलोड हो जाएगी एंड देन आप ये जनरेट बटन क्लिक करेंगे ई वे बिल जनरेट करने के लिए। जनरेट बटन पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आप वापस आएंगे स्क्रीन पे और प्रिंट EWB ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ई वे बिल को प्रिंट करने के लिए। यहाँ पे आप ई वे बिल नंबर आपको मिला है वो आप यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे, गो बटन पे क्लिक करेंगे और ई वे बिल नंबर की जो स्लिप है वो आपको मिल जाएगी। अब आप वापस बिजी में आएंगे, जो वाउचर जिसके लिए कि आपने ई वे बिल जनरेट किया है नंबर आपको मिला है उसे मॉडिफाई मोड में ओपन करेंगे, सेव बटन प्रेस करेंगे, ट्रांसपोर्ट डिटेल्स विंडो के अंदर ई वे बिल नंबर के अंदर वही नंबर आप अपडेट कर देंगे एंड वाउचर को सेव करेंगे। अब हम वाउचर को प्रिंट करके देखते हैं तो देखिए प्रीव्यू में ई वे बिल नंबर जो है आपका प्रिंट हो रहा है, यानी कि आपने ई वे बिल जनरेट किया, ई वे बिल नंबर आपको गवर्नमेंट से मिला, वाउचर में वापस उसे एंटर किया एंड हमने देन बिल को प्रिंट किया, उसमें ई वे बिल नंबर स्पेसिफाइड है।
इसके अलावा आप ट्रांजैक्शंस में, जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटीज में, ईवे बिल मैनेजमेंट में जनरेट ईवे बिल ऑप्शन में जाके बल्क में भी ईवे बिल जनरेट कर सकते हैं। यदि आप सिंगल वाउचर एंटर कर रहे हैं, आपके पास ट्रांसपोर्ट डिटेल्स भी हैं, तो आप वाउचर के साथ ही ईवे बिल जनरेट कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास ट्रांसपोर्ट डिटेल्स नहीं है, उस टाइम पे आप बाद में अपडेट करना चाहते हैं ट्रांसपोर्ट डिटेल्स वाउचर्स में, या फिर बल्क में वाउचर्स के लिए आप जेसन फाइल क्रिएट करना चाहते हैं, ईवे बिल जनरेट करना चाहते हैं, तो आप इस यूटिलिटी को यूज कर सकते हैं। इस यूटिलिटी को सिलेक्ट करने पे सिलेक्ट वाउचर्स फॉर ईवे बिल विंडो अपीयर हुई। यहाँ पे आप डेट रेंज बताएंगे जिस डेट रेंज के वाउचर्स आप व्यू करना चाहते हैं। किसी पर्टिकुलर मटेरियल सेंटर के वाउचर्स व्यू करना चाहते हैं तो वो बता सकते हैं। एक्सक्लूड वाउचर्स ऑलरेडी हैविंग ईवे बिल नंबर, यानी कि जिन वाउचर्स में ऑलरेडी ईवे बिल नंबर है उनको एक्सक्लूड करना चाहते हैं या नहीं। लोड लिस्ट बटन क्लिक करेंगे आप वाउचर्स की लिस्ट लोड करने के लिए। यहाँ पे आप वाउचर सिलेक्ट करेंगे एंड अपडेट ट्रांसपोर्ट डिटेल्स बटन पे क्लिक करेंगे या फिर F4 की प्रेस करेंगे ट्रांसपोर्ट डिटेल्स अपडेट करने के लिए। ये देखिए, इस विंडो में आप ट्रांसपोर्ट डिटेल्स बताएंगे और ये डिटेल्स जो है सिलेक्टेड वाउचर में अपडेट हो जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट आप चेक ईवे बिल डिटेल्स बटन को क्लिक करेंगे। ईवे बिल डिटेल्स चेक करने के लिए यहाँ पे आप ओके बटन प्रेस करिए और ये देखिए ईवे बिल डिटेल्स आपके सामने आ रही है। इनवैलिड डेटा फाउंड कॉलम ब्लैंक है, डेट मीन्स आपका डेटा परफेक्टली फाइन है, इसमें कोई एरर नहीं है। यदि कोई एरर होती तो वो यहाँ पे नजर आ जाती, इनवैलिड डेटा फाउंड कॉलम डिस्प्ले कर देता विद रीजन। नेक्स्ट आप जनरेट ईवे बिल बटन पे प्रेस करेंगे या फिर आप F2 की प्रेस भी कर सकते हैं। फाइल का पाथ बताएंगे, ओके बटन प्रेस करेंगे। अगर आप पॉसिबल एरर्स चेक करना चाहते हैं तो वो बटन पे क्लिक कर सकते हैं या फिर प्रोसीड विद जेसन बटन क्लिक करेंगे जेसन फाइल क्रिएट के लिए। तो ये आप डेस्कटॉप पे देख सकते हैं मल्टीपल वाउचर्स के लिए जेसन फाइल क्रिएट हो गई है। यहाँ पे ईवे भी हमारा ब्लैंक है तो देखिए यहाँ पे F4 की प्रेस करके ट्रांसपोर्ट डिटेल्स विंडो ही आ जाएगी। जब आप ईवे बिल नंबर पोर्टल से जनरेट कर लेंगे, आपको मिल जाएगा ईवे बिल नंबर, तो आप यहीं पे आके अपडेट भी कर सकते हैं। आपको इंडिविजुअली ईच ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम आपको बता दें कि अभी जेसन फाइल को अपलोड करने का प्रोसेस हमने आपको बताया ही है ewebill.nic.in पे, वही सेम प्रोसेस यूज़ करके आप फाइल अपलोड करेंगे मल्टीपल वाउचर्स के लिए जो जेसन फाइल आपने क्रिएट करी है, एंड आपको ईवे बिल नंबर्स हर वाउचर के लिए मिलेंगे जो आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप फाइल अपलोड करते हैं, ईवे बिल जनरेट आपका होता है, ईवे बिल नंबर आपको मिलता है पोर्टल से, डाउनलोड का ऑप्शन भी दिया होता है। डाउनलोड बटन यदि आप क्लिक करते हैं तो जो आपके जितने भी ईवे बिल नंबर्स हैं उनके लिए एक एक्सेल फाइल जनरेट हुई होती है, एक्सेल फाइल आपकी डाउनलोड हो जाती है आपके सिस्टम पे। ये देखिए यहाँ पे आपको हम उसका भी प्रोसेस बताते हैं कि उस एक्सेल फाइल से आप कैसे बिजी में सारे ईवे बिल नंबर्स अपडेट कर सकते हैं। आप इस यूटिलिटी में ही इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आप एक्सेल फाइल सेलेक्ट करेंगे जो आपने ईवे बिल पोर्टल से डाउनलोड करी है, उस फाइल का पास बताएंगे यहाँ पे। उस फाइल में हर वाउचर के आगे जो भी ईवे बिल नंबर था, हर वाउचर के लिए जो ईवे बिल नंबर जनरेट हुआ था, वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया, अपडेट हो गया। तो बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर आपके बल्क में वाउचर्स हैं, आप बल्क में एक ही जेसन क्रिएट करेंगे, उसे अपलोड करेंगे एंड वहां से एक फाइल डाउनलोड करेंगे। इसी यूटिलिटी में आप इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल बटन यूज करके उससे सारे जो ईवे बिल नंबर हैं वापस वाउचर्स में अपडेट कर सकते हैं। और यहीं पे नीचे एक ऑप्शन दी हुई है प्रिंट इनवॉइस करने की, इस बटन को आप क्लिक करके सारे इनवॉइसेस प्रिंट भी कर सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं क्लियरली ईवे जो है नजर आ रहा है। तो अभी तक हमने देखा कि स्टैंडर्ड एंटरप्राइज एडिशन यूजर्स जेसन फाइल क्रिएट कर सकते हैं सिंगल वाउचर के लिए, मल्टीपल वाउचर्स के लिए, और उन्हें किस तरीके से मैनुअली वाउचर ईवे बिल नंबर या फिर आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं फाइल को, जिससे कि ईवे बिल नंबर सारी वाउचर्स में अपडेट हो जाएगा। स्टैंडर्ड एंटरप्राइज एडिशन के केस में ऑटोमेटिक जनरेशन का ऑप्शन भी है, उसके लिए आप हमारे वीडियो ऑटो जनरेशन ऑफ ईवे बिल को रेफर कर सकते हैं यूट्यूब पे। नेक्स्ट हमारा सेकेंड पार्ट है बेसिक एडिशन यूजर्स के लिए कैसे आप ईवे बिल जनरेट करेंगे। इस पार्ट में हम यही डिस्कस करेंगे कि एज पर गवर्नमेंट टेम्पलेट जो है आप कैसे फाइल जनरेट कर सकते हैं। ईवे बिल कॉन्फ़िगरेशन हमने वीडियो के अर्ली पार्ट में डिस्कस किया ही था। यहाँ पे डायरेक्टली हम वाउचर एंटर करेंगे, इसके लिए हम ट्रांजेक्शन सेल्स एड ऑप्शन में गए, सेल्स हेडर से जुड़ी डिटेल्स हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे, आइटम से जुड़ी डिटेल्स बताएंगे, बिल सन्ड्री सिलेक्ट करेंगे एंड सेव बटन प्रेस करेंगे। सेव बटन प्रेस करते ही ट्रांसपोर्ट डिटेल्स विंडो अपीयर हुई, जिसमें कि आप ट्रांसपोर्ट से जुड़ी डिटेल्स स्पेसिफाई करेंगे, GRRR नंबर, व्हीकल नंबर, ईवे बिल रिक्वायर्ड यस, ईवे बिल नंबर अगेन ब्लैंक रहेगा,
ओके बटन प्रेस करेंगे. देन बिजी ने पूछा जनरेट ई वे बिल, यस बटन आप क्लिक करेंगे. यस बटन क्लिक करते ही एक और मैसेज बॉक्स अपीयर हुआ जिसमें दो ऑप्शन है, एज पर गवर्नमेंट टेम्पलेट एंड प्लेन एक्सेल फाइल. हम एज पर गवर्नमेंट टेम्पलेट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे. यहाँ पे टेम्पलेट फाइल का पाथ बताएंगे, यानी कि जो टेम्पलेट्स आपने गवर्नमेंट की वेबसाइट से डाउनलोड करे थे उन्हें जिन फोल्डर में रखा हुआ है उसका पाथ बताएंगे. फाइल पाथ बताएंगे जिस पाथ पे आपको ये फाइल जो है जनरेट करनी है. ओके बटन प्रेस करेंगे. यहाँ पे पहले हम चेक पॉसिबल एरर्स बटन क्लिक करेंगे. देखिए ब्लैंक स्क्रीन है, यानी कि आपका डेटा एकदम करेक्ट है, कोई एरर्स नहीं है उसमें. इसके बाद नेक्स्ट हम प्रोसीड विद गवर्नमेंट टेम्पलेट बटन को क्लिक करेंगे फाइल जनरेट करने के लिए. यहाँ पे देखिए बॉटम में एक आइकन फ्लैश होगा जिसपे कि आप क्लिक करेंगे तो ये मैसेज आएगा, प्लीज एंटर वैलिड GSTN. इसमें कोई पैनिक वाली बात नहीं है, आप एक्सेल फाइल ओपन कीजिए. यहाँ पे डिटेल्स एंटर करिए, GSTN, ट्रांसपोर्टर ID, लीगल नेम, ये सारी डिटेल्स प्लीज आप बताएंगे यहाँ पे. और इसके बाद ये सारी डिटेल्स बताने के बाद आप वैलिडेट बटन पे क्लिक करेंगे और ये देखिए मैसेज आया, डेटा वैलिडेटेड सक्सेसफुली. इसके बाद आप प्रिपेयर जेसन बटन पे क्लिक किया, ओके बटन क्लिक किया और ये देखिए जेसन फाइल जो है आपकी डेस्कटॉप पे क्रिएट हो गई. जेसन फाइल को अब आप अगेन गवर्नमेंट के पोर्टल पे अपलोड करेंगे. वही प्रोसेस है जो हमने पहले पार्ट में प्रेजेंटेशन के डिस्कस किया है. आप साइट पे जाएंगे एंड इस फाइल को अपलोड करेंगे एंड ई वे बिल जनरेट करेंगे. इसके बाद जो ई वे बिल नंबर आपके जनरेट हुए हैं या तो वो आप पर्टिकुलरली हर वाउचर में जाके मॉडिफाई कर सकते हैं या GST मिसलेनियस यूटिलिटीज में ई वे बिल मैनेजमेंट ऑप्शन में जाके आप जनरेट ई वे बिल ऑप्शन को यूज करके यहाँ पर एज पर गवर्नमेंट टेम्पलेट सेलेक्ट करेंगे और ये स्क्रीन ओपन हो गई जिसमें कि आप वाउचर्स की लिस्ट लोड करेंगे एंड उनमें जो है आप ट्रांसपोर्ट डिटेल्स या ई वे बिल नंबर अपडेट कर सकते हैं. ये सारा ही प्रोसेस हमने स्टैंडर्ड एंटरप्राइज एडिशन के लिए जो पहले पार्ट कवर किया है उसमें बताया है, तो प्रोसेस बिल्कुल ही सेम है. होप इस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद आप इजीली ई वे बिल जनरेट कर पाएंगे. देखने के लिए धन्यवाद और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें.